दुर्ग जिले में जर्दायुक्त पान और गुटखे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। जहां बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर पूर्व पार्षद जानिसार अख्तर ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि जर्दायुक्त गुटखे पान और नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पूर्व पार्षद जानिसार अख्तर ने आवाज उठाई और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जिला कलेक्टर से निवेदन किया कि दुर्ग जिले में जर्दायुक्त गुटखा पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जानिसार अख्तर ने बताया कि जर्दायुक्त गुटखा खाने की वजह से हजारों हजार घर महिलाएं पीड़ित हैं और कई तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बावजूद इसके कि इस पर रोक लगाने पर प्रशासन ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की और न ही जर्दायुक्त पान मसाला और गुटखा को बेचने वालों पर किसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। शहर में जगह जगह सड़कों के किनारे स्कूल के सामने पान दुकान लगाए लोग बैठे हैं और प्रतिदिन यहाँ से लोग गुटखा खरीद कर खा रहे हैं। साथ ही विभिन्न तरह की बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं, जो समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। पूरे देश के अंदर में जो गुटखा जो बिक रहा है, उसमें खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के अंदर जर्दायुक्त गुटखा इतना बिक रहा है कि स्कूल कॉलेज और जहां पर भी लोग ज़्यादा रहते हैं वहां पर पान ठेले से लेके किराना दुकान से लेके ठेले वालों से लेके सारे लोग गुटखा बेच रहे हैं जर्दायुक्त। इसकी मांग को लेके आज कलेक्टर साहब से मुलाकात किया और उनसे निवेदन किए कि आप कार्रवाई करें।